नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाय। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर। बिन सचिवालय की क्लर्क की एग्जाम में जिस प्रकार से गैर रीतियां इरेगुलरिटीज बाहर आई, ये 11वीं एग्जाम के साथ हुआ है। पटवारी के एग्जाम हो, टेट के एग्जाम हो, टाट के एग्जाम हो, पुलिसकर्मी साथियों के एग्जाम हो, और फिर ये बिन सचिवालय क्लर्क के एग्जाम, कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है, दिखाता है पूरे गुजरात के अंदर जब भी एम्प्लॉयमेंट सरकारी रोजगार खड़ा करने की बात आती है तो कमलम और गांधीनगर में बैठे कुछ चोर किसी स्कैम को षड्यंत्र को अंजाम देते हैं। और सरकार इस बात को एडमिट किए, माना है कि इसमें गलतियां तो हुई, पेपर लीक हुआ। जब आप ये कह चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है, कोई कारण नहीं बनता अब दोबारा ये अनाउंसमेंट ना करें कि एग्ज़ाम नए सिरे से लिया जाएगा। मतलब पेपर लीक हुआ है ये मानना और फिर भी ये नहीं कहना कि एग्ज़ाम नए सिरे से लिया जाएगा, ये सरकार का घमंड दिखाता है और दिखाता है इस बात को चिन्हित करता है कि सरकार कसूरवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। उन्हीं अफसरों की बनाई हुई SIT का इन्वेस्टिगेशन होगा जो सरकार को जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का रिपोर्ट बना कर देंगे। और आज विपक्ष के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, दबन हुआ, लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़े गए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं मानता हूँ आज विधानसभा के अंदर बैठने के बजाय इन विद्यार्थियों के लिए बाहर बैठना जरूरी है, इसलिए मैं आज बाहर बैठा हूँ। आज विधानसभा का पहला सत्र है, आज क्या मुद्दे लेके आप अंदर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज विद्यार्थियों का है, 12 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके जीने मरने का सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है, बहनों का सवाल है। इतने दुष्कर्म की घटनाएं हुई, इतने बलात्कार, फिर भी पुलिस प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई, सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सरकार की बिन संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। यदि दूसरे किसी स्टेट की, दूसरे किसी सरकार के शासन के दौरान इतने बलात्कार हुए होते तो RSS और भाजपा के लोग जय श्री राम का नारा लगाकर, भारत माता की जय का नारा लगाकर सड़क पर उतर जाते। लेकिन आज उनके शासन के दौरान इतने बलात्कार हो रहे हैं, एक भी नकली राम भक्त अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। 5,000 से ज़्यादा स्कूल को बंद करना चाहते हैं। कौन से स्कूल? जो सरकार जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो लूट रहे हैं उनको छूट दे रखी है। जो सरकारी स्कूल है 5,000 उसको बंद करना चाहते हैं। 5,000 स्कूल में पढ़ने वाले हर एक स्कूल के 100 बच्चे 100 स्टूडेंट्स भी यदि उसमें से बाहर कर दिए जाते हैं तो ये मुद्दा हुआ 5 लाख विद्यार्थियों। इन 5 लाख विद्यार्थियों में से केवल 20% ऐसे हैं, यानी कि 1 लाख जो फीस भर के प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएंगे, तो 1 लाख विद्यार्थियों का क्या हुआ? कितना बड़ा सवाल है। पाक बीमा का जो स्कीम चल रहा है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सारे मुद्दों पर यदि अंदर कोई बहस नहीं होती तो बेहतर है हम लोग बाहर खड़े रहे। और ये बहुत जेन्यून सवाल है, जनता के जीने भरने के सवाल, विद्यार्थियों का सवाल, किसानों का सवाल हो, बहनों का सवाल हो, या स्कूल बंद करने का सवाल। असली विपक्ष वही जो असली मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा रहे। आने वाले समय में आप लोग क्या रणनीति रहने वाली है? यही रणनीति रहेगी, इसी मुद्दे को उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। और रूपाणी साहब को हमारा रिक्वेस्ट है कि आप विधानसभा के फ्लोर पर से अनाउंसमेंट करिए ना कि जी हाँ गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, तो नए सिरे से एग्जाम लिया जाए, एक भी स्कूल को बंद नहीं करेंगे, बलात्कारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। कहिए ना, उतना स्टेटमेंट देने में क्या तकलीफ, इतना भी कहने को तैयार है। सीट विभाग में आपको क्या हुआ? देखिए, SIT का गठन सिर्फ इसलिए हुआ है, ये एक आईवोश विद्यार्थियों की कुहनी पे गुड़ लगाने की बात है, ताकि गुड़ भी लगा रहे वो चाट भी ना पाए। हम जिन अफसरों का नाम दें उनके SIP बनाइए ना, विजय रूपाणी साहब के घर तक इन्वेस्टिगेशन जाएंगे, बस विजय रूपाणी साहब खुद रिपोर्ट लिखेंगे और वही असेंबली के अंदर रखा जाएगा। ये SIT एक आईवोश है, गलत जांच करेंगी, स्टूडेंट्स को हमको विपक्ष को कोई भरोसा नहीं। आप तीन अपनी पसंदगी के अफसर रखिए, तीन अफसर उनको रखिए जिनका नाम हम देते हैं, फिर हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कल को विजय रूपाणी साहब इस बात का अनाउंसमेंट भी करते हैं कि चलिए नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तब भी रोज़गार किन को मिलेगा? 3,900 लोगों को। फॉर्म कितनों ने भरे थे? 11 लाख। तो बाकी के 10 लाख 90,000 स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का क्या? इनके रोजगार के लिए सरकार के पास क्या प्रोविजन है? कोई जवाब नहीं। इसीलिए तो हम खुल जा रहे हैं। आपके पास क्या प्रोविजन है? इन 11 लाख लोगों को कहाँ नौकरी लगानी चाहिए? देखिए, गुजरात के अंदर जिस प्रकार से हर एक जिले में, हर एक तहसील में पुलिसकर्मी कम है, आशा वर्कर कम है,
आंगनबाड़ी की बहनें कम हैं, जीआईएसएफ के जवान कम हैं, होमगार्ड कम है, मल्टीपर्पज संख्या है, इन लोगों की कितनी संख्या कम, लाखों की तादाद में रोजगार कम है, तो सरकार हर एक को नौकरी दे सकती है क्या? बिल्कुल, जब हजारों लाखों की तादाद में पोस्ट रिक्त है। आपके पास कोई फिगर है कितने लोग? हाँ, सरकार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रिकॉर्ड के ऊपर कम से कम 8-10 लाख अनएम्प्लॉयड है। सरकार का जो खुद का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनके रिकॉर्ड के ऊपर 8-10 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है। नहीं नहीं, कितने लोग भरे जा सकते हैं, कितने पद खाली? कम से कम 10 लाख है सरकार। और सरकार ये तो जो पद रिक्त है उनके भरने की बात है, सरकार सामने से नए पद खड़े भी कर सकती है। सरकार ने ऐसा कहा है कि भी ग्रेजुएशन को सब भर्ती होगी जो ग्रेजुएशन की होगी, बिल्कुल मतलब कि कल को ये कह देगी अब इनको ही रोजगार मिलेगा जो डबल ग्रेजुएट है, फिर कल परसों ये कहेंगी उनको ही रोजगार मिलेगा जो एमफिल्ड किए हैं, फिर नर्सों सरकार ये कहेंगी उनको ही रोजगार मिलेगा जो पीएचडी किए हैं। रोजगार हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं है तो आदमी सर्वाइव कैसे करेगा? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, यही तो असली मुद्दे हैं, पाकिस्तान थोड़ी ना मुद्दा है। होमगार्ड की जैसे लेते हैं कितनी बार अपनी मांगों को, अरे होमगार्ड को छोड़िए, गुजरात के खड़े कैसे किया जाए? नरेगा की योजना जो गांव में बसने वाले गरीब भूमिहीन है उनको रोजगार देने की थी, वो स्कीम भी करीब करीब खत्म हो चुकी है। तो धीरे धीरे करके सरकार ऐसा माइंड सेट तैयार करना चाहती है कि यदि आप ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट नहीं है तो आपको रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार पाना हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट होना चाहिए।